सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अर्पित के ब्लॉग्स में स्वागत है एक और वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं, आज खड़ी है हमारे साथ रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350, जो कि ये सेक्शन आप जैसे कि बोल सकते हैं, ये बुलेट 350 में सबसे कम प्राइस में बेस मॉडल में ये आ जाती है। तो क्या इसका ऑन रोड पड़ेगा, क्या फीचर्स पे दिया गया है, और क्या इसमें माइलेज वगैरह ये देती है, और क्या क्या इसमें फीचर्स एड ऑन कर दिया गया है, ये जो मॉडल है 2024 न्यू मॉडल ये आई है, तो इसी का आज मैं आपको टोटल रिव्यू देने वाला हूँ। क्या प्राइस पड़ेगा, सारी डिटेल्स इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूँ। तो मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और मुझे अभी तक आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, फ्रंट में जो इसका एलईडी है, इसमें जो इसमें आप मिल जाता है वो आपको सर्कल शेप में, यानी कि राउंड शेप में यहाँ पे दिया गया है। साइड में पूरी आपको क्रोम फिनिश का यहाँ पे यूज किया गया है, और ये जो आपको मिलती है हैलोजन में ही सारा यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। साइड में जो है दो छोटे पायलट लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि हैलोजन में ही यहाँ पे मिलती है, और पूरी जो है आपको उसी ब्लैक फिनिश का यूज किया गया है। साइड साइड में वही आपको टर्न इंडिकेटर यहाँ मिल जाता है हैलोजन में, और इसमें जो है आपको 1000 लाइट्स का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। साइड में पूरी आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्रोम फिनिश का यहाँ पे यूज किया गया है। सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो टेलीस्कोपिक 41 mm का यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, जो कि सस्पेंशन पे पूरे यहाँ पे मेटल का कवर मिल जाता है, डुअल टोन में यहाँ पे दिया गया है। और मडगार्ड जो यहाँ पे देख रहे हैं, पूरे यहाँ पे आपको मेटल का मडगार्ड यहाँ पे सिंगल टोन में यहाँ पे मिलती है। सस्पेंशन पे यहाँ पे येलो कलर का रिफ्लेक्टर मिल जाता है दोनों साइड, और इसमें जो फ्रंट ब्रेक डायमीटर आपको मिलता है वो 300 mm का मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और टायर साइज जो है वो 190 का यहाँ पे आपको टायर साइज मिलता है, जो कि 19 इंच का इसमें आपको स्पोक व्हील यहाँ पे दिया गया। इसमें आपको जो है ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलती है। अब मैं बात करूँ इसकी हैंडल बार की, तो यहाँ पे आपको हैंडल बटन जैसे कि देख सकते हैं, सबसे साइड में यहाँ पे आपको आई का बटन मिल जाता है, यानी कि जैसे कि इसको मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पे इकोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F वगैरह सारा यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर और ये हॉर्न आ जाता है। हॉर्न काफी तगड़ी है। और राइट साइड में यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, इंजन किल स्विच का ऑप्शन दिया गया है और पावर स्टार्ट सेम एक ही में मिल जाता है, 1000 लाइट्स ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाता है। की मैं बात करूं तो इस टाइप का आपको 2 की ऑफर किया जाता है वेब डिजाइन में, और काफी अच्छी यहां पे ब्रांडिंग आपको रॉयल इनफील्ड का मिल जाता है। मीटर कंसोल जो है आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल यहां पे दिया गया है, डिजिटल मीटर कंसोल यहां पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि 160 का टॉप स्पीड यहां पे आपको देखने को मिलेगी। टर्न इंडिकेटर का इंडिकेशन, न्यूट्रल, यहां पे बैटरी, सिंगल चैनल ABS, इंजन माल फंक्शन और फ्यूल की लो इंडिकेशन, यहाँ पे आपको फ्यूल की इंडिकेशन बताएगी, इकोमीटर टाइमिंग बताएगा, यहाँ पे ओडोमीटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2 और ट्रिप F, और यहाँ पे आपको जो है सर्विस रिमाइंडर वगैरह सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपको USB चार्जर पोर्ट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, हैंडल बार के जस्ट लेफ्ट साइड के नीचे पे यहाँ पे आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, टैंक जो है इसमें आपको 13 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है, जो कि E20 को सपोर्ट करती है। E20 का मतलब ये होता है कि 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल मिक्स रहती है, वही E20 कहलाता है। और टैंक के जस्ट नीचे पे यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड का आपको ब्रांडिंग मिल जाता है, जो कि पूरी 3D में रेड कलर में आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप जैसे कि बोल सकते हैं न्यू डिजाइन में पूरी ये लॉन्च किया गया है। और जो पूरी आप ब्लैक कलर देख रहे हैं ना, ये काफी तगड़ी लग रही है, बुलेट में काफी सूट कर रही है। यहाँ पर आपको पूरी रेक्टेंगुलर शेप में आपको यहाँ पे बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको बुलेट 350 लिखी हुई आपको ब्रांडिंग दिया गया है। की डालने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि गाड़ी के कागज पत्र वगैरह आराम से इस पर रख सकते हैं। और इंजन पे पूरी आपको क्रोम फिनिश का यहाँ पे यूज किया गया है। साइलेंसर आप जैसे कि देख सकते हैं, पूरी लॉन्ग साइलेंसर यहाँ से वहां तक आपको मिल जाता है, जो कि इसकी पूरी इसमें जो है आपको क्रोम फिनिश का यहाँ पर भी पूरा यूज किया गया है। इसका एग्जॉस्ट साउंड वगैरह कैसा है वो भी मैं आपको चेक कराऊंगा लास्ट में। और यहाँ पे ब्रेक लीवर आप जैसे कि देख सकते हैं, ब्रेक लीवर का क्वालिटी जो है काफी अच्छी खासी यहाँ पे यूज किया गया है। सेकंड फुटरेस्ट जो है ये भी आपको पूरी टर्नेबल यहाँ पे दिया गया है। और जो रियर सस्पेंशन इसमें आपको मिलता है वो ट्विन स्विंग आपको रियर सस्पेंशन मिल जाता है। और जो यहाँ पे अब मैं बात करूँ इसकी सीट की, तो सीट इसमें जो आपको दिया गया है वो 805 mm का सीट हाइट के साथ ही आती है, पूरी लॉन्ग सीट यहाँ पे ऑफर किया जाता है। सीट की जो कंसर्ट वगैरह जो काफी कंफर्टेबल है, अगर आप इसे लॉन्ग राइड करते हैं तो आपको बैक में जो है पेन बिल्कुल भी नहीं होगी। और इसकी जो ग्रैब हैंडल आप यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है सिंगल टोन में। और मैं बात करूँ अब इसके टायर की, तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं इसमें जो है आपको यहाँ पे ड्रम मिल जाता है, एक सिंगल चैनल ABS, क्योंकि ये वेरिएंट जो है मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोला ये बेस मॉडल में आ जाती है, जो कि इसमें टायर साइज आपको
120-80 के टायर साइज के साथ ये आती है, और 18 mm का आपको स्पोक व्हील वाली यहाँ पे आपको मिल जाती है, और इसकी जो 270 mm का आपको रियर ब्रेक डायमीटर भी इस पे दिया गया है। अब मैं बात करूँ रियर सेक्शन की, तो यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड का स्टिकरिंग का यूज किया गया, जो कि यहाँ पे छोटी सी यहाँ पे मिल जाती है। टेल लाइट हैलोजन में मिलती है, टर्न इंडिकेटर वही हैलोजन में दिया गया है, नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। और लेफ्ट साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पूरी सारी गार्ड वगैरह जो है पूरी आपको मेटल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिल जाता है। लेडीज फुटरेस्ट वगैरह यहाँ पे आपको हैंगर टाइप का मिल जाता है, जो कि काफी यूजफुल चीज है ये। और जो चैन कवर दिया गया है वो आपको हाफ चैन कवर यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको क्लब बॉक्स टाइप का आपको छोटा सा मिल जाता है, की डालकर कुछ सामान वगैरह आप इस पे रख सकते हैं। मिडल स्टेयर यहाँ पे मिल जाता है, इसमें आपको गियर जो है आपकी मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये आती है, यहाँ पे टर्नेबल आपको मिल जाता है, और साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर वगैरह सारा इस पे आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस सारा गाड़ी का मैं फीचर्स वगैरह आपको बता दिया, अब बात करते हैं इस गाड़ी के मेन मुद्दे पर। जैसे कि मैं आपको बोला कि इसमें जो इंजन दिया गया है 349.5 सीसी का आपको इंजन मिलता है, तो मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस कितना करेगा, तो मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करता है 20.4 PS, और जो टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है ना 27 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क आराम से निकाल देती है, जो कि सिंगल सिलेंडर एसओ एसी ऑयल कूल्ड एंड एयर कूल्ड के साथ दोनों के साथ ही आ जाती है। और मैं बात करूं अब इस गाड़ी के मेन मुद्दे पर, सब तो बुलेट ले लेते हैं बट माइलेज देगी कितना, तो कंपनी क्लेम करता है 30-35 किलोमीटर पर लीटर, बट आप एक्चुअल में एवरेज स्पीड में चलते हैं 50 से 60 की स्पीड में, तो उतनी ये आराम से निकाल कर आपको दे देगी। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लान कर रहे हैं कि आपको लेनी है बुलेट, वो भी आपकी बजट जो है 2,05,000 तक है, तो आप इसे प्रीफर कर सकते हैं बुलेट के, काफी सबसे ज्यादा ये जो है सबसे कम बजट वाली बेस मॉडल में ये आ जाती है, तो आप इसे प्रीफर कर सकते हैं और अपनी शौक पूरी कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिख जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइस, बाय। I'm gonna be part of the cross with the drummer, dancing, laughing, and the phone.